दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस नॉट स्टडी पर। मैं सरवण सिंह आप सभी फ्रेंड्स लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के भाग नंबर 12 की। मैंने इससे पहले 11 और वीडियो अपलोड कर दिए, जो आप हमारी प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं। और साइंस का भी मैंने 10 वीडियो तो अपलोड कर दिए, और रीजनिंग के भी अपलोड कर दिए, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। जो आगामी राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, हाईकोर्ट वगैरह जितने भी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जितने भी भर्ती करा, उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर सीरीज है। तो ओके फ्रेंड, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। और हमारा तो आज की सीरीज कब किस नंबर पर फर्स्ट है, रावण हत्या को राजस्थान में क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रावण हत्यावादी होता है ना, उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है। रावण हत्या को राजस्थान में डप कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, डप कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किसे कोकिला वीणा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो प्राचीन काल में किसे कोकिला वीणा कहा जाता है, ये कहा जाता है सूरज मंडल या सौर मंडल वादियों को कहा जाता था। ओके फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरनाई बनाने के लिए कौन विश्व प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सुरनाई बजाने में कौन विश्व प्रसिद्ध है, ये पेपे का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाली जिले के मंदिर में तो बने जाने वाला तथा तो वहाँ के मंदिरों में जो जो वाद्य बजाया जाता वो कौन सा है, ये कर्णा वाद्य यंत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य तथा विवाह के समय नाच गान के लिए बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मंत्र वाद्य यंत्र। जो गौरी नृत्य तथा शादी विवाह समारोह में जो भी नाच गान के लिए बजाया जाने वाला तो वाद्य यंत्र है, वो है मंत्र। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीबख्शी ख्याल लोक नाट्य का प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरी राजस्थान का प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अलीबख्शी ख्याल लोक नाट्य पूरी राजस्थान का प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य को पाटा संस्कृति कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है रमत को। रमत लोक नाट्य को पाटा संस्कृति कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वांग करने वाले लोक नाट्य को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेरूपिया कहा जाता है। जो भी ग्रामीण इलाकों या शहरी तो इलाकों में जो बेरूपिया घूमते वो स्वांग करने वाले होते हैं। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल कला केंद्र कहाँ पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये जयपुर में है, जवाहरलाल कला केंद्र जयपुर में। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब की गई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये रिपीटेड है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब की गई, ये की गई 1986 में, और कहाँ पर है, उदयपुर में की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ पर है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में है फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वागड़ क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक लोकवादी कौन सा है, ये हरनाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में युद्ध के समय में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नौबत है, जो प्राचीन काल में वो युद्ध के समय बजाया जाता था। ओके फ्रेंड, और हमारा अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, ये गिद्ध नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, शेखावटी क्षेत्र में से संबंधित लोक नृत्य कौन सा, गिद्ध है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भूभाग में अधिक लोकप्रिय, ये पूर्वी भूभाग में। ओके फ्रेंड, हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग में लोकप्रिय। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य कैसा नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कच्ची घोड़ी है एक मतलब ये व्यावसायिक नृत्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ये तो फ्रेंड तो फेवरेट ही क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए, हर बार रिपीट होता है, अलगोजा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा, अलगोजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांड गायकी से संबंधित गायक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है अल्लाह जिला भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मांड गायकी के संबंधित अल्लाह जिला भाई है। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस शहर में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जालौर में।
ओके पॉइंट ये मतलब वेरी वेरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोल नर्ती वाला, जो रिपीटेड हर बार ये तो रिपीट होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये गुरु बलिनाथ था। ओके फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगले, रामदेव जी ने कौन सा पंथ प्रारंभ किया? वेरी वेरी इंपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। ओके फ्रेंड, हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रामदेव जी के जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसे देवरा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देवरा। तो ओके फ्रेंड, तो आज की सीरीज़ हम यही समाप्त करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड, चैनल को सपोर्ट करना। जो आगामी राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में जितने भी राजस्थान जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए तो कारगर सिद्ध। ओके फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।